ग्रामीणों पर फूटा समस्याओं का अंबार। नल जल योजना अंतर्गत नलकूप खनन संबंध में जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। ग्राम पंचायत तुहे गुहान तहसील भानुप्रतापपुर अंतर्गत नल जल योजना संचालित है, जिसमें लगभग 35 से 40 परिवार निवासरत है। इन परिवारों का नल जल प्रदाय योजना के तहत पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही। ग्रामीणों का कहना है, यह हैंडपंप पूर्व से संचालित है, जहां पानी का पर्याप्त स्रोत नहीं है। इसमें मोटर पंप डाला गया है। नल जल योजना के तहत पानी का आपूर्ति होने के कारण कुछ दिनों से पानी कम आने से वार्ड वासियों को पेयजल का समस्या उत्पन्न हो रहा है। ग्रामीण गड्ढा खोदकर तुमड़ी से पानी ढूंढकर पीने के लिए मजबूर हैं। कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर पानी लाते हैं लोग। ग्रामीणों का कहना है, विभागों के चक्कर लगाते लगाते हमारा चप्पल घिस गया, परंतु विभाग के आला अधिकारियों द्वारा हमारी मांगों को अनसुना कर नजरअंदाज कर अपनी मनमानी किया जाता है। समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन व संबंधित विभाग के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संभागीय ब्यूरो चीफ राजेंद्र मंडावे। वहाँ शिकायत दिए थे, क्या हुआ था मानो में? वहाँ भानुप्रतापपुर पीएचई एसडीओ सर के पास शिकायत किए तो बोले कि ठीक है, मैं एक दो दिन में भेज के मैं चेक करवाता हूँ बोले। लेकिन एक दो दिन क्या, एक माह बीत गया, फिर भी कोई नहीं आया देखने, एक करवाने हम इंतजार किए, नहीं हुआ, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ा, दोबारा यहाँ पे आवेदन देना पड़ा। में पानी के बहुत समस्या, ऐसे गड्ढा कोड के तुमा में डूब के हंडी में धर के लाना, पानी नहीं है, नहाए पर पानी नहीं है, ना खाए पर पानी नहीं है, ना माल मवासी पर नहीं है, ना हमारे गांव में कुछ के कहीं नहीं है। अभी आई थे मोहम्मद खोदरा डीपरा लगनी भरी में, और एक ठक तीन ठक है तो वो सब बिगाड़ गया, अभी भगड़ा में गिर गए। खड़े होने कर रहे हैं। मैं सरोज मरकाम, ग्राम पंचायत विभाग सरपंच प्लस मास्टर ट्रेनर मितानिन कार्यक्रम से, और यहाँ पे हम लोग सब ग्रामवासी पेयजल समस्या को लेके आए हैं, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत हमारी सलियापारा में जल जीवन मिशन तहत जो कनेक्शन जोड़ा गया है आंगनबाड़ी हैंडपम्प से, वहाँ पे पर्याप्त पानी नहीं होने के कारण एक बाल्टी से भी कम पानी आता है, उसके कारण त्राही त्राही हो रहे हैं हमारी जनता। तो यही समस्या को लेके हम लोग यहाँ आवेदन देने आए थे, और यहाँ पे सर ने बताया कि ठीक है, ये मेरा डिवीजन नहीं है, फिर भी मैं आवेदन ले रहा हूँ, और सर का नाम मतलब फ़ोन करके बता दिए कि आपके यहाँ ये समस्या है, तो बोले कि अगर ये नहीं होता है तब हमको बताइएगा, हम कल परसों आके देख लेंगे। तो समस्या कब से बनी हुई है? ये समस्या तो बहुत पहले से है, इससे पहले हम लोग हैंडपम्प से पानी पीते थे, कहीं कहीं बोर कनेक्शन जिनके यहाँ बोर है, बोर खोदाया गया है, उनके पास से हम पानी लेके पीते थे, लेकिन अभी लाइट गोल है, लाइट गोल के कारण हैंडपम्प से पानी लेने जाते हैं, हैंडपम्प से पानी नहीं निकलती, उसके वजह से अब सप्लाई भी होता था तो एक बाल्टी से ज़्यादा नहीं आता पानी, एक टैंकर भी नहीं भरता पानी, तो उसके लिए ग्राम पंचायत से हमारे हाटकर्रा तुए गुहान से कोरर से 12 किलोमीटर सलियापारा से 12 किलोमीटर की दूरी से टैंकर से पानी ले जाके वहाँ खाने पीने की व्यवस्था के लिए किया गया है। तो जैसे जब से समस्या आपके गांव में उत्पन्न हुई है तो आप तक अभी तक कितने आवेदन दिए हैं? इससे पहले हम एसडीओ सर भानुप्रतापपुर पीएचई को दिए थे, अवगत कराए थे, उसके बाद अभी आवेदन सचिव के माध्यम से भेज दिए हैं, उसके बाद हम कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब बोले ठीक है हम दिखवाएंगे करके, उसके बाद हम पीएचई ऑफिस आए थे यहाँ।